कैसी करुणा, कैसा वात्सल्य, नरक में जाकर संबोधन कर रहे हैं। जैसे अपने भैया को नरक से निकाल रहे हैं, ऐसे भैया तुम भी अपने भाइयों को नरक से निकाल दिया करो, थोड़ी बहुत दया आई। अरे नरक से निकालना था क्या, वैसे नहीं निकाल पाए और निकाल दिया। क्या निकाल दिया, नियम लो, आनंद करना है मन को। किसके आश्रय से, कि चैतन्य के आश्रय से। भैया भी पाठ करवा रहे थे, ओ चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा, हमारा है आनंद में जीवन हमारा है। जिस जीवन में दुख नहीं है, जिस जीवन में क्लेश नहीं है, वो आत्मा का जीवन है। जिसमें क्लेश है, दुख है, राग है, द्वेष है, वो आत्मा का जीवन नहीं। चैतन्य है, तू परमेश्वर है। वही बड़ी साहब कह रहे थे, आए मेरे को, बोलो धुन लगा, बोलो आए मेरे को। ये हमारे सूत्र हैं, हम शुद्ध हो जीवो मंगलम, ये सूत्र है तुम्हारे लिए। जब जब लगे कोई हमारा नहीं है, आए मेरे को। और एक होने पर भी अकेला है पर अधूरा नहीं। अरे अकेले में भी अकेला है और संयोगों में भी अकेला है, और अकेला होने पर भी पूरा है। क्या चाहिए सब मिलेगा तुझे, जो चाहिए वह तेरी आत्मा से मिलेगा। बहुत अंधेरा है कि तेरे में अंधेरा नहीं है, जहां अंधेरा है वहां तू नहीं है। ये आनंद भूमि तेरी है, नरक भूमि तेरी नहीं है। त्यौहार की भूमिया तेरी नहीं है, चैतन्य भगवान आनंद भूमि है, तेरी भूमि है। और जब वो समकेत समय दर्शन हो गया था, किसको हो गया था, कहानी सुनने वाला विभीषण का जीव कहां चला गया था, नरक में चला गया था। तो सम्यक हो गया, और क्या वहां कुछ प्रेरणा दे रहे थे, दारण वेदना के भी के माधवी वेदन सोता तम का कीना, परमानंद में समकित पा जर आनंद का जरना, स्वानुभव के प्रताप सो तृप्तता दिखाते हैं, संजयंत मुनिराज की मंगल समकित सहित नरक में भी देखो सुख आओ। समय दर्शन हो गया, आनंद 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 जलने लगा। किसको, अरे विभीषण के जीव को आनंद जलने लगा। भला सा भला नरक का वास सहित जो समकित पाता, बुरे कावे देव अरे मिथ्या मति भ्राता। सम्यक्त सहित नरक का वास भी भला है, और सम्यक्त के बिना स्वर्ग का वास भी बुरा है। आत्मा का अनुभव है तो भला ही वो नरक में तो भी सुखी है, और आत्मा अनुभव नहीं है और देव पर्याय में भी है, अनुकूलता भी है, जय जयकार लगा रहे हैं तो भी बेचारा दुखी है। इसलिए स्वर्ग में नहीं ले जा पा रहे, पर तुम्हें मुक्ति में लिए चलते। कहाँ है मुक्ति, बोलो है? ये मुक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, ये मुक्ति है। ये सर्व दुखों से मुक्त होने का एक ही उपाय है। क्या कहते हैं, समकेते सहित नरक में भी देखो सो के आओ, समकेते रहते देव पर्याय में भी मैं भी तृष्णावश दुख लो, सुख में जीवन का आधार समकित गुरुवर कहते हैं, करें संवाद
की नीति दिया है। कहा किसको? वो नरक पर्यायी जीव को सम्यक दर्शन लांताविंद्र ने नहीं दिया। लांताविंद्र ने तो जिन वचन दिए वस्तु रूप दिखाया। सम्यक दर्शन का दाता तो ध्रुव तत्व है, ज्ञाता द्रव्य है, उसके दर्शन हुए सम्यक तो। हो विराट देवी भोगो से धर्म में चेत लगा। भाई को संबोधन करने के बाद में अपने स्थान में आकर के धर्म ध्यान में चित्त लगाया उस जीव ने। अगर तुम्हें थोड़ा याद हो तो राम दत्ता के जीव ने है वो जीव ने लांता में ध्रुव आता ना, और क्या करता? ए भोगे रोगे सम अति अंत विशेले श्रद्धा धारिती हैं संजय अंत मनराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी विभीषण के प्रसंग है, जिस पुराण में हमने वाचा था उसमें प्रथम नरक दिया था, दूसरे पुराण में द्वितीय नरक भी दिया है। बस इतना समझ लो पहला है क्या दूसरा है बताओ, निर्णय करो। हमने निर्णय नहीं करा रहे, कहीं भी जाकर ये निर्णय कराया तू नारकी नहीं। समझ में आया? जब आप पढ़ोगे तो हो सकते किसी में दूसरा नरक मिले, लेकिन जहां भी गए अरे नरक पर्याय मुझ में नहीं, मैं नारकी नहीं, मैं तो आनंद में था। और विभीषण का जीव आयु पूर्ण हुई, अरे दुख का अंत है, सुखमयी स्वभाव तो अनंत है। इन नारकी त्रियंच आदि पर्यायों का अंत है, पर पर्यायों से पार सिद्ध स्वरूप को तो अनंत है। नरक पर्याय का अंत आ जाएगा, देव पर्याय का अंत आ जाएगा, मनुष्य पर्याय का अंत आ जाएगा, और एक और बताओ त्रियंच पर्याय का अंत आ जाएगा, पर पर्यायों से पार का अंत कभी नहीं आए। मत घबराओ कितने दिन तक भोगना पड़ेंगे। अरे ये दुख तो अनंत नहीं है, इन सब का क्या है? अंत है, लेकिन मेरा स्वभाव तो अनंत है। आयु पूर्ण हो गई, देह को छोड़ करके फिर मत लोक की हो रहा है। विद्याधर अधिपति श्री धर्म नृपुकुदाई श्री दत्तारणी धर्म परायण शील व्रता दृढ़ विभीषण का जीव उन्हीं के पुत्र रूप में आते हैं संजय अंत मुनि राज की मंगल। लंबी बवाबली किसी को याद ना रहे थे, दो भाई थे। एक भाई ने धर्म आराधना करी स्वर्ग चला गया, और एक भाई परिग्रह में लिप्त रहा तो नरक चला गया। दोनों इतना प्रेम था, नारायण और बलभद्र थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। देखो भैया भैया भाई भाई दोनों साथ रहते थे, लेकिन एक स्वर्ग जा रहा है एक नरक जा रहा है, किससे? तेरा नारकी परिणाम ही तुझे नारकी बनाने वाला है, तेरा स्वर्गमय परिणाम ही तुझे स्वर्ग ले जाने वाला है, और तेरा मुक्तिमय परिणाम ही तुझे मुक्ति ले जाने वाला है। स्वर्ग का परिणाम कौन है? कि व्यवहार ब्रह्मचर्य आदि की साधना ही स्वर्ग के परिणाम है। और मुक्ति ले जाने वाला कौन है? कोष व्यवहार से भी वेद विज्ञान करके उसको भी उपाधि न मान कर स्वरूप में रमता है, वो मुक्ति ले जाने वाला परिणाम। नारकी बनाने वाला कौन है? कि जो हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि में मग्न रहता है, वो परिणाम तो नारकी बनाने वाला है। समझना, जब हिंसा का परिणाम आए, झूठ का परिणाम आए, कुशील के परिणाम आए, समझ लो इनार के नरक में ले जाने के लिए दूत आ गए। जब जब पाप के परिणाम आए, समझ लो ये नरक के दूत हैं।
और जो नरक के दूत हो तो उनको स्वागत करना चाहिए कि नहीं? क्यों भैया है? नरक के दूत आ रहे कि आ रहे? जो मोबाइल में आप देख रहे हैं वे सब कौन है? ये नरक के दूत है, तुम्हें नरक ले जाने आए, और वो परिणाम जो उन्हें देखता है वो नरक का दूत है। ये तो उपचार का कथन है कि वे नरक के दूत हैं। क्यों? तुम ना देखो तो जबरन को भी तुम्हें ले जाने लाए वहां। अरे ये सोचो, अपने को संबोधन करो, ये आत्मा ने नरक का दूत आ गया, ये हिंसा का परिणाम आ गया, झूठ का परिणाम आ गया, ये अन्याय नीति के परिणाम आ रहे हैं, ये सब कौन है? हाँ, जिनमें हिंसा न्याय अन्याय का कुछ विवेक नहीं है, योग अयोग का कुछ विवेक नहीं है, और चाह जहां खा रहे हैं, कौन है ये परिणाम? जे प्रवर्तन जे परिणाम तुम्हें नरक ले जाने वाला है। इसलिए भैया जब जब लगे क्रोध आ गया, कौन आ गया? नरक का दूत आ गया। विवाद क्षमा आ गई, कौन आ गया? स्वर्ग का दूत आ गया। और परमात्मा क्षमा आई तो कौन आ गया? मुक्ति में ले जाने वाला आ गया, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले आ गए। इसलिए भैया ये समझ लो कि जो परिणाम आते जाए तो सोचो ये परिणाम हमें नरक में ले जाने आया है। कौन सा परिणाम बोलो, जल्दी बताओ। पाप के परिणाम, बहुत अच्छा। कौन से परिणाम स्वर्ग में ले जाने वाले हैं? पुण्य के परिणाम। कौन सा परिणाम मुक्ति में ले जाने वाला है? पुण्य का कि पाप का? कि जो पुण्य और पाप से रहता परिणाम ही द्रव्य की नजर करता है, दृष्टि करता है, वो सूक्ष्म स्वराग से भी कोई उपाधेय नहीं मानता है, वो शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करता है, वो परिणाम जो शुद्ध उपयोग रूप परिणाम है, वो परिणाम कहां ले जाने वाला है? मुक्ति ले जाने वाला है। मैं दिन कहा था कि नरय वासम्मी पर्याय में लीन नहीं है, वे नारकी है, मंदिर में वे स्वर्गवासी है। खुलासा मैं कर चुका हूं, और अपने में मुक्ति वासम्मी, मुक्ति वसेगी उनके। तो भाई कोई किसी को कहीं प्रवर्तन, जो तेरा परिणमन हो रहा है, वर्तन हो रहा है, वो तेरे परिणाम से हो रहा है। अज्ञानी अज्ञानी परिणमन को सुधार कर सुखी होना चाहता है, और ज्ञानी परिणाम को सुधार कर सुखी हो जाते। परिणमन को सुधारना पराधीन है, बाहर का परिणाम, और परिणाम को सुधारना, और आगे क्या है? परिणाम को सुधारना स्वाधीन है, और परिणाम को सुधारोगे तो जैसा परिणमन चाहते हो वैसा मिल जाए। जो परिणाम आप चाहते हो, परिणमन जैसा चाह रहे, कैसा? सिद्ध अवस्था जैसा मेरा परिणमन हो, तो सिद्ध अवस्था का रूप परिणाम करो। कौन सा? शुद्ध उपयोग रूप। और अज्ञानी तो पर के परिवर्तन में लगा रहता है, और ज्ञानी तो परिणाम के सुधार में लगा रहता है। तो सुख दुख का कारण कोई संयोग नहीं है, सुख दुख का कारण तेरा परिणाम। बड़े पंडित साहब का वाक्य याद करना, कार्य योग्यता अनुसार होता है, और आगे बोलते जाओ। सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार होता है, और एक और बोलो, एक वाक्य और है, संयोग उदय अनुसार मिलते हैं, कार्य योग्यता अनुसार होता है, और सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार, संयोग अनुसार सुख दुख का वेदन नहीं होगा। अगर तत्व ज्ञानी है और 4 लाख को भी नुकसान हो गया है उसका, और दुखी नहीं है, कह रहे ये सब है पुतगल के, और तत्व ज्ञानी नहीं है और 4 रुपए भी चले गए उसके, बेचारा आए ऊपर नीचे कर रहा, आए मरे, 4 रुपए का नुकसान होगा। तो देखो बाहर का देखें तो जाना नुकसान किसका दिख रहा है, लेकिन ये तत्व ज्ञान का फल है। नरक से निकले, कौन ने निकाला नरक से? लंतव इंद्र ने निकाला, उस परिणाम ने निकाला, जिस परिणाम में से नरक निकल गया था। पंचम काल से कौन निकालेगा? वो परिणाम निकालेगा जो पंचम काल से निकल जाएगा, और जो पंचम काल में ही बैठा रहेगा वो परिणाम पंचम काल से निकलने नहीं देगा। और मध्य लोक में आए, और मध्य लोक में
किन के यहाँ पर जन्म लेते हैं? नाम भूल गए, विद्याधरों के अधिपति धर्म नाम के राजा। क्या नाम? कहानी, विद्याधरों के अधिपति राजा, उनका नाम धर्म था, हैं? उनकी श्रीदत्ता नाम की महारानी थी। वे महाराज धर्म मात्र नाम के धर्म नहीं थे, वास्तव में धर्म की मूर्ति थी। भगवंतों की भक्ति, स्वाध्याय, दान, परोपकार आदि कार्य करते हुए भी वे उसको धर्म नहीं मानते थे। उससे भिन्न अपने ज्ञात स्वभाव के अनुभवन रूप परमार्थ धर्म के उद्यमी रहते थे। उनके राज्य में चारों तरफ धर्म का वर्तन चल रहा था। उन्हीं के श्रीदत्ता नाम की महारानी विद्याधरों के पुत्र हुए। उनके यहां पर विभीषण का जी उन्हीं के पुत्र रूप में जन्म दिखाते हैं। संत मुनि राज की मंगल कथा सुनाते हैं। कुमार का लालन पालन होने लगा। अरे बाहर में शरीर बढ़ रहा है और भीतर उनकी आत्म भावना को बढ़ाया करती थी वो माता। क्या उसे का क्या सिखाया करती थी? मंगलमयी मंगलीकरण सुदाती माँ को भाविना, मेरी लल्लीनाथम ध्याउना, मेरी लल्लीनाथम ध्याउ। पाप राशि का ना सके आओ, पुण्य का भी जो गाता के आओ, मदन का बना सके कहो, गुण मंदिर आत्म बाबुना, तेरा चैतन्य जब आया नहीं, अंधकार तब तक जाए नहीं, मोए रात्रि ना सको भावना, मेरी ललिना। सुबह का श्लोक बोल रहे हैं, कलप समझ में आया? अखंड है, शाश्वत है, नित्य है बेटा, आनंद इसके साथ करना। और कुमार बड़े हुए हैं और बाहर में अंतर में तो वेद ज्ञान की विद्या तो थी, सम्यक्ति की विद्या थी, और बाहर में लौकिक विद्या भी प्राप्त कर ली थी। विद्याधर के कुल में हुए, लौकिक विद्या सिद्ध हो गई, लौकिक विद्या अनेक प्रकार की सिद्ध हो गई। तब वो 20-22 साल का कुमार चारों तरफ जयकारा, अनेक राजकुमार, अनेक राजागण उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाह रहे, लेकिन वे कह रहे हैं हमें तो हमारी सगाई तो पहले ही हो गई, इनके साथ में मुक्त कन्या थी हमारे, हमें तो कोई भाई वो सुद्धोपयोग वही परिणति हमारे लिए उपाधि है। और इधर प्रसंग वो चल रहे हैं और उधर एक बार क्या प्रसंग बना, श्रीदाम कुमार, क्या नाम था जल्दी बताओ नहीं सो जाओ, क्या नाम था कुमार का? श्रीदाम, उधर आज नहीं लिखा हो, श्रीदाम नाम का कुमार, विद्याधर कुमार, विद्या थी तो कहां गए? ना मेरा का श्रीदाम गुणकारी था कुमार,
मीरू बंधन को गया एक दिन सुखकारी कुमार। कहाँ गए हो? मेरू की वंदना तुम भी करियो। पांचो मीरू सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम। सुखे हो देखे बड़े वंदना कर रहे हैं। प्रतिमा को देख देख कर प्रतिमा मान को देख रहे हैं। पूरी मयूरियों की वंदना करते हुए हर अंत प्रभु की याद दिलाती दर्शाती अपना प्रभु रूप। बिन बोले ही प्रगट कर रही मुक्ति मार्ग अक्षय सुख रूप। कैसी सुंदर प्रतिमा है कैसा सुंदर है सबसे सुंदर। इधर वंदना करके वो अन्य जगह जाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक तो वो उनका भाई कहां था जल्दी बताओ? स्वर्ग में। उसको पुनः स्मरण आया मेरा भाई अभी नरक से निकल गया कि नहीं निकल गया। ये व्यवहार की कथन है। नरक परिहार से निकला के हो ये तो निकल आए और विद्याधरों का अधिपति राजा के पुत्र हुए हैं। ओ कितनी भक्ति से वंदना कर रहे हैं देखते ही प्रसन्न हो गए। अब लेकिन ये दोबारा उधर राजा तैयारियां कर रहा है काय की विवाह की और इनमें बल तो आना चाहिए नहीं दोबारा पसे दोबारा न रखना चले जा। तो क्या किया लांता वेंद्र भैया कर उसको संबोधन करते हैं। राज की मंगल तुम कहोगे सम्यक देवा दोबारा न रख कैसे जाएंगे? अरे उसने सुख बुद्धि मानी तो सम्यक छूट जाए। समझ में अभी सम्यक छूटने का अवसर भी है। क्या कहें क्या हुआ सहायक नहीं हुआ ना है। सम्यक को प्रकट होने के बाद संभालना भी बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है। क्यों? जरा कहीं मग्न होगा छूट जाएगा वो सम्यक। और आकर के क्या संबोधन लगे सच्चे तेसी ज्ञानी विरागी का मार्ग अरे दिखला सुद्धातम की महिमा दिखा कर जग की प्रीति मिटाए याद दिलाए पूरव भव। जैसे आए ओ इंद्र कहा जा रहे हो कि राज्य की ओर जा रहे हैं? कहां के हो? भला राज्य के विद्याधर के अधिपति हैं वंदना के लिए आए थे। वंदना हो गई? बोले हाँ। क्या वंदना हो गई? सोचो अपना सुख अपने में है अपना ज्ञान अपनी प्रभुता अपना आनंद अपना सर्वस अपने में है। जो अपने में नहीं है वहां में जाना नहीं है। अपने अपना कौन है जल्दी बताना है? तो स्वाध्याय लोग ही बैठे कहानी वाले कितने हैं बच्चे होंगे मुझे वाली। अपना कौन? अपना आत्मा। और अपने कौन? पंच परमेष्टि परमात्मा है। कहां जा रहे हो? उनको छोड़कर सपनों में मत जा उनको छोड़कर भटको मती। तुम एक हो तुम सोतो तुम ज्ञानानंद में हो। अरे कहां जा रहे हो कछु याद करो पूर्व को। वे बोले श्री राम कुमार क्या पूर्व को याद करें? बोले हमारा तुम्हारा मिलना हुआ था कि नहीं कि तुम्हें देख करके ऐसा तो लग रहा है कोई मेरा हितेशी है परंतु मैंने कभी आपको देखा नहीं। अरे देखा कैसे नहीं? याद करो मैं तुम्हारा भाई बीत वे तुम विभीषण थे कहां गए थे और नरक वो जैसे ही स्मरण दिलाया ओ
वो नरक के मारो 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 काटो मारो काटो वो याद आने लगे। कैसे कैसे निकल के आए नर पर आए मैं भाई, पुना भोगो मैं पस कर क्यों जाते हो भाई भाई। आनंद का सागर आत्म तत्व है श्री गुरु कहते हैं, संजय अंत मुनि राज की मंगल हे ज्ञान से सुख से। काय के लिए अगर भोग करो तो अपना आत्मिक भोग करो, आनंद तो यहाँ बरस रहा है। आश्चर्य की बात है यहाँ आनंद बरस रहा है, तू आनंद के लिए तरस रहा है क्यों भैया? मिल जाए कहीं कहीं मिल जाए, अरे काय को भिखारी बना हुआ है, तू तो आनंद का सागर है प्रभु, कहाँ जा रहे हो? और जो याद आई नरक पर यार, जो याद आए पूर्वाओ और याद करते ही याद दिलाए पूर्वा बाबू सुन विरक्त होते हैं, संजय अंत मन राज की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण। और घर गए, माता कहने लगी पिता कहने लगे। बेटा दो भाइयों की कहानी सुना रहे थे, भाइयों की नहीं लंबी कहानी है, हमने दो भाइयों तक जोड़ दी अभी आपके लिए, वहां से नहीं जोड़ पा रहे आप दोनों। पहले तो एक स्वर्ग और एक, और उसको संबोधन किया और मनुष्य परिवार में आ गए और फिर संबोधन करने आ गए हैं। इसका नाम अनुराग है। अपने साधर्मियों को बार बार सचेत करते रहना, स्वयं सचेत रहना और जिनसे अनुराग है उनको भी सचेत करते रहना, भैया ये कोई ये प्रपंचों में मत पड़ जाना। और जैसी वो वैराग्य को धारण करके, कौन से कुमार जल्दी बताना, श्री दाम श्री राम नहीं, क्या नाम, दाम धाम नहीं क्या, हाँ श्री दाम कुमार आए। अब तो विरक्ति, पुत्र तुम उदास क्यों कि माता वो बाल जो स्थान में तुम बसाना चाहते हो वो हमारा वास नहीं है, और हमारा वास है वहां कोई बसा सकता नहीं है। तो फिर क्या करना बेटा? बेटा आ गए, बेटा आई तो वो सब तुम्हारा सगाई होना है, कन्या और राजा लोग आए हैं, हे दास अनंत वारी भोग देखे, इनका फल देखा है 16,000 रमणियों में, ओ तीन कंड के अधिपति थे हम। और कहने लगे हम ऐसी ऐसे दुख पाए हैं, ये दास बड़ी मुश्किल से निकल के आए, अतः यदि हमें दुखी ना देखना हो तो जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। नाना प्रकार से रोका लेकिन नहीं रुके, चल दिए व्रत होकर। कहाँ जा रहे हो बेटा? जंगल जा रहा है ये नहीं, जंगल में जा रहा है ये नहीं, मंगल में जा रहे हैं। दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो ये नहीं कहा, परमानंद में जीवन जीने की आज्ञा प्रदान करो। और चल दिए हैं श्री राम कुमार मुनिराज अनंत मती के निकट। क्या नाम था मुनिराज का? और अनंत मती मां मुनिराज की, मुनिराज अनंत मती के निकट जिन देखा दारी, निज निज में रति संतुष्टि तृप्ति अद्भुत अभिकारी। भगवान आत्मा मली बोलो मुनिराज मां मुनिराज श्री राम महाराज की। तजी दे पंचम स्वर्ग में जाय उपजते हैं, अंत मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं,
कहां से आके पांचवे स्वर्ग से तुम कौन हुए? वो संजयन तौर अब कहानी चढ़ेगी उससे। पर निदान किया कोटा उसी से तुम दरने दुए सम्यक था छूटा। अब संकेत पाओ यदि भव पुना न चाहते हो संजय अंत मन राज की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण। वे पंचम स्वर्ग गए थे बांसी आकर के विदेही नगरी में। राजा वैजयन जो कल वज्रायुज कुमार के उपसर्ग बताए थे, जो सिंहसेन महाराज के जीव थे, वे आकर संजयंत हुए और ये पंचम स्वर्ग गए थे उनके छोटे भाई जयंत हुए। हाँ, तो संजयंत महाराज जब दीक्षित हुए, पिता दीक्षित हुए थे, तो इन तीनों ने एक साथ दीक्षा ली। वैजयंत महाराज मुक्ति चले गए, संजयंत महाराज पर पहले दिन कहानी थी वो, इसलिए दोबारा नहीं सुना रहे। बयाना को उपसर्ग किए थे हैं श्रीभूति के जीव ने, वे मुक्ति धाम चले गए, तुमने निदान बंद किया सो धरनेन्द्र हो गए। और क्या किया? सुनी धरनेन्द्र पछताया फिर निज स्वभाव था भाया परिभाव से भिन्न आत्मा अनुभव में आया। पश्चाताप करने लगे, ओ मैं अपनी निधि लौटा चुका, कहां का धर्मेंद्र का पद, कितनी बार मैंने स्वर्ग पाया और कैसा खोटा निदान कर बैठा, कैसे कैसे दुख पाए। और उसी समय विद्याधरों को लेकर जा रहे थे, वो विकल्प छूटा और अपने चैतन्य में गए और भगवान आत्मा का अनुभव किया। निर्मल समकित प्राप्त किया पुनः दिखाते हैं सुनो जी मंगल जैन पुराणिया। फिर विद्याधरों को छोड़ दिया, विद्या का हरण तो पहले ही कर लिया। जब लगा क्या, अरे जीव पाप करता है तो स्वयं दंड पाता है, हम क्या दंड दें, अब तो निर्दंड को देखा है और सबको निर्दंड देख रहे हैं। और क्या किया, क्षमा किया और अपने स्थान को चले गए। कौन? जयंत जो थे ना, अब थोड़ा उपयोग लगवा रहा हूं, जो जयंत था ना जो डुबा रहे थे वो चले गए। उसके बाद जो देव वो देव वो ये कौन सा उनका भाई, पहले नरक में संबोधन किया, फिर श्रीधाम के भव में संबोधन किया, अब तीसरी बार ये क्या करने जा रहा है दोबारा? सम्यक छूट गया और सबको डुबाएगा, फिर डूबेगा, पापों का फल दुर्दशा है। हे भाई ये क्षमा कर तू। अब उनको क्षमा करके जब चले गए हैं, तब आ करके वो देव जो रामदत्ता का जीव था संबोधन करता है विद्युदंश को। देखो बैर बस तुमने कितनों कष्ट पायो, अब तो छोड़ो बैर यदि दुर्गति नहीं चाहो, आराधन करो गुरुवर संजयंत की पापों को धोते हैं। सुनो जी और विद्याधर कांपने लगा। कौन सा विद्याधर? जो पहले दिन का था ना विद्युत ध्वंस,
कांपने लगा, विद्या छूट गई, इनकी चिंता नहीं, अब मुझे दोबारा नरक में जाना पड़ेगा, मैंने कितने घोर पाप किए। बोले देखो आज तक बहुत तड़पे, अब जिनकी विराधना करी उनकी आराधना कर। किसकी विराधना करी? ये तो बर्बाद अपनी आत्मा की, और व्यवहार से उन मुनिराज की तुमने विराधना की है, उन्हीं की आराधना करो। संजयंत स्वामी की प्रतिमा बना, क्षमा याचना की, हमें कोई उपाय? उपाय बोले बचने का उपाय। बोले क्या है, कैसे? और विद्याधर कहने लगे हमें विद्या कैसे प्राप्त होंगी? संजयंत मुनिराज की 500 धनुसूची क्या बनाओ? प्रतिमा बनाओ। प्रतिमा बनवाई, पंच कल्याणक भाई तुम्हारा थोड़ी प्रतिष्ठित हो जाएगी तो कभी भी हो है। खूब आनंद पूर्वक सब विद्याधरों ने किनकी क्या कहें भाई, प्रत्यक्ष में नहीं आराधना कर पाए। अब 500 धनुसूची क्या बनवाई? प्रतिमा बना करके आपने आज कहानी पूरी लेना नहीं, तुम पंच कल्याणक भी कराते हैं और प्रतिमा जी विराजमान हुई है और सब विद्याधर, सभी विद्याधर आकर उसकी आराधना करते। प्रतिमा बढ़ाई, खूब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई, प्रतिमा जी विराजमान हो गई। बोलो संजयंत भगवान की, और हम संजयंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करके सभी क्षमा याचना करने लगे। हे भगवान हमारे अपराध क्षमा हो, हमारे अपराध क्षमा हो, और हम राज की भक्ति कर रहे हैं। मेरे मन मंदिर में आ संजयंत भगवान, मेरे मन मंदिर में पधारो संजयंत भगवान, पधारो संजयंत भगवान, पधारो संजयंत, जानू अपनो जानन यार, पधारो संजयंत। और बड़ी भक्ति करती करती इतनी विशुद्धि बनी उन विद्याधरों की कि पुनः विद्याएं प्राप्त हो गई। किनकी? तब की झूट के गए थे ना, कहा उन्होंने। और लेकिन विद्युत ध्वंस नाम का विद्याधर था, उसकी भी विद्या छीन ली थी, तो उसके परिवार में मात्र स्त्रियों को प्रगटी विद्याएं। उनके परिवार में किनको प्रकट हुई? सिद्ध हुई पर पुरुषों को नहीं प्रगटी विद्याएं, जो पाप करे वह तो दंड नियम सुपाते हैं। कथा सुनाते हैं सुनो दी, देखो जो तुम प्राप्त करोगे उसका दुरुपयोग करोगे वो वस्तु दोबारा प्राप्त होने वाली विद्या के बल पर। मुनिराज पर इतना उपसर्ग किया, क्या चली गई? वो विद्या चली गई। ज्ञान का दुरुपयोग करोगे ज्ञान नहीं मिलेगा, समय का दुरुपयोग करोगे समय नहीं मिलेंगे, देवसाल गुरु की आराधना नहीं करोगे देवसाल गुरु नहीं मिलेंगे। जैन कुल में अभी हमें एक बालक कहीं का, बिल्कुल छोटे कुल का, समझ में आए, छोटे कुल में हमारा हिंदुओं सबसे छोटा कुल अंडा ला दी। अब वो आके राम सके भैया कहीं मिला, हम जैन धर्म अपनाना चाहे, हमें जैन धर्म अच्छा लगता है। उन्हें कहा क्यों अच्छा लगता है? उसकी अहिंसा, उसका सत्य, उसमें आत्म तत्व की बात हमने सुनी दूर दूर से, हम कैसे अपना क्या करें, मंदिरों में नहीं जा सकते। हमने कहा भाई मान स्तंभ के दूर से दर्शन कर लिया करो। ये सुन सुन के मध्य मास अधिक छोड़ दिए उसने, कहीं से पढ़ा सुना। हम कैसे श्रावक बने, हम कैसे जैन बने, विचार करो।
पहले नीच कुल जैसे काम करे होंगे है? क्या हम जब अगले भव में जैन बन जाए, मैंने प्रश्न दोष का भूल ही गए, अगले भव में हमें जैन धर्म मिल जाए, ऐसो कछु मंत्र बताओ। 21 साल 22 साल का बालक वो आकर डरता आया। पहली बात तो उसने सोची 7-8 दिन तक तो मेरे पास ही नहीं आए, आता और वो चला जाता है, लेकिन वो वहीं रुके हुए। एक दिन आ गया, बोले मुझे डर लग रहा है, आप किसी से कहना नहीं। का बात है, हम अगले भव में जैन धर्म कैसे पाला, अगले भव में कैसी भव में पालोगे? कोई जैन तो धर्म है, जैन जाति तो है नहीं है, हम बहुत छोटे कुल के हैं। अरे तुम सिद्धों के कुल के हो, हमारे भगवान तो ये कहेंगे, और छोटा कुल क्या है, छोटे कार्य करना, खोटे कार्य करना। थोड़ा चर्चा भी बताया। अब कोई गरीब जी बैठा है, हमने कहा वो ऐसी भावना रख रहा, बोले भैया ये कैसे आ गया, ये वहां बैठा था ये तो। हमने कहा भैया हमारे आचार्य भगवान कह रहे चांडाल को भी वृत्ति है कि नहीं दिए, हम जिन साधन की मर्यादा वृत्त नहीं करवा सकते, लेकिन वो आत्मा तो है, अगर तुम्हारे हमारे जैसे भी होते तो भी चांडाल को कैसे भगवान बना देते। तो हमें तो ये याद आया, वो कह रहा क्या पाप करे, हमने क्या पाप करे कि भैया कभी तुम जैन कुल में पैदा भाई होगे और ऐसे छोटे काम करे, ऐसे खोटे कार्य किए होंगे तो उसमें चलेगे, तो जो हमें मिला है उसका दुरुपयोग करोगे तो कभी नहीं मिलेगा। हमें जैन कुल मिला है, हम ऐसा जीवन क्यों नहीं जीना चाहते कि जो जीवन हमारी पहचान, हमारी शान और हम गर्व के साथ क्यों नहीं कहते हम जिन धर्मी हैं, हम निकल अकलंग निकलंग के अनुयायी हैं, हम टोटो मंजी के अनुयायी हैं। अरे हम वो कार्य कभी नहीं करेंगे जिस कार्य से हमारे जैन शासन की ध्वजाएं झुक जाए, हम वे कार्य करेंगे हमारी पताका लहराती है, हमें पहचान लिया जाए ये जैन है। तो देखो उसने विद्या का दुरुपयोग किया था और विद्या अब नहीं मिल पा रही, लेकिन भगवान की भक्ति की विद्या मिल गई, उसका तो यही हुआ। भगवान संजन तो मुक्ति धाम चले गए, अब दो जीव बचे हैं, कौन कौन से? राम दत्ता का जीव यानी दंतविंद और धरणेन्द्र। अंतिम कथा उनकी, मथुरा नगरी के निपति अनंत वीर सुखकार, मेघ माला अमित परिवार, दो रानी थी गुणदार, लंतवे इंद्र मेघ माला के गर्भ में आकर बसते हैं, संजय अंत मुनिराज की मंगल, दूसरी रानी के धरणेन्द्र के अजीब ने जन्म लिया। राजा का नाम क्या था? है? नहीं नहीं, राजा का नाम था आनंदवीर बराबर, मेघमाला और अमित प्रभा नाम की दोनों रानी। लांता इंद्र अपनी आयु पूर्ण करके मेघमाला रानी के जन्म लिया, उनका नाम था मेरू, और जो जयंत हाँ जो दूसरा पूर्णचंद का जीव वो अमित प्रभा रानी का जन्म जो, और उनका नाम था मंदर। क्या नाम थे दोनों के? मेरू मंदिर। ये आप एक पुराण देखना, मेरू मंदिर पुराण, उनमें पूरा विस्तार से कथा है, हैं? मेरू मंदिर दोनों नाम दारका, तत्व ज्ञान के संस्कार, बचपन से पाते हैं संजय अंत मुनिराज की मंगल। दो कुमारों ने स्वर्ग से जन्म लिया, अंतिम भव याद कर लो, क्या क्या नाम रखा उनका? मेरू और मंदिर। विमलनाथ भगवान की, शासन किनका चल रहा था? विमलनाथ भगवान का शासन चल रहा था। माता अमित प्रभा और एक और का नाम क्या था? मेघमाला।
अपने बालकों को ये संस्कार दिया करती थी। क्या संस्कार दे रही हैं उनको पलना दिलाते हुए, मेरा ललेना पलना झूले छठम सप्तम गुण थान चौगति में नाई झूले पंचम गति लय मान। कौन सा झूला झूला है? कोई झूला तो ना झूला लगे। हाँ निल्लोरी सुना दूसरे झूला में झूला लग है? मेरे बेटा फलना झुला रही हो माता, और फलना झुलाते हुए उन वीरू और मंदिर कुमारों को वो माताएं क्या संस्कार दे रही हैं? संसारे कारे जल सम ए नाते ना ए लाल ना तुझे सो आए अमृत का द्रेसो दातम तेरे और मैं बस जाए आत्मा श्रेसे मेरे बललिना परमानंद लय मान मेरा ललना पलना झूले छठम सप्तम गुण। सुनाया होगा तुम तो भूल रहे हो, हमें तो लगता है सुनाया होगा उन मदन रेखा की कथा हम सुनाया होगा है? ना दूजी माते बनाना, क्या कह रही हो? ऐसा पुरसारत करना रुलाई अनंत जननी अब किसी को नहीं रुलाना निवृत्ति में जीवन अंत में जननी बनने का मैं कोरा मिला हूं मान मेरा ललेना पलना झूले छठम सप्तम गुण ए बोगो के का तेरे बेटा नर बाब कुर्बान न करना। किसके लिए? कम से कम भी तो कह रहे हैं कि न्याय के भोगों को भी छोड़ देना, तुम इतना तो सुना दियो करे मोबाइल के खातिर बेटा नर्व कुर्बान न कर। घंटों घंटों में बर्बाद कर रहे, कैसे कैसे समय मिला? क्यों भैया हम तो कह रहे हैं घंटे वादे करने वालों से अगर एक सेकंड के 100 रुपए हो जाए तो कितनी वादे करो बोलो, और एक दो मिनट वो चलान नेट चलाने पर 100 रुपए कट जाया करें तो कितनी बात करोगे, कितना चलाओगे? तो बंद कर दोगे। लेकिन ये नहीं समझ रहा मनुष्य पर्याय बर्बाद हो रही, ये मनुष्य पर्याय जा रही है इसकी कोई खबर नहीं, और मनुष्य पर्याय जा रही है और जानते हो वो एक चित्र देखोगे 2 मिनट का और 24 घंटे का स्वाध्याय बर्बाद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 मिनट भी आपने देख लिया आशीष तो क्या होगा? चित्त नहीं लगेगा, वो ही घूमता रहेगा। जैसा ये पढ़ता है लिखता है जैसे चित्र देखता है, किसी ने लिखा था आपके जैसे आप चित्र देखते हो वैसा आपका चरित्र बनता है, हैं? आपके मित्र कैसे हैं हम बता देंगे चरित्र कैसे है। जैसे आपके मित्र हैं अर्थात आप रह कर रहे हो चरित्र बता देंगे कैसा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई। कुसंग में रहोगे तो परिणाम निर्मल कैसे रह पाओगे? बेटा ये भोगों के खातिर निर्भव कुर्बान मत कर देना, वे तो न्याय के भोगों की निषेध कर रही हैं। ये मिले अनंती बार तुम निजानंद रस पीना
निवृत्ति में जीवन जीना सुखकारी हो अमलान मेरा ललना पलना झूले छठम सप्तम बढ़ते हुए कुमार आत्मा का अनुभव। क्या नाम था दोनों का? मेरु और मंदिर। और युवा अवस्था में प्रवेश कर गए, अवस्था बदल गई लेकिन अवस्थाओं से पार परमात्मा तो नहीं बदला। निरंतर आत्मा की दोनों आत्मा की लगन। और एक बार उसी नगरी में, कौन सी नगरी थी? मथुरा। बड़े उपयोग से सूक्ष्मता सुन रहे, कौन उत्तर दिया था? हाँ बहुत अच्छा, पीछे होने पर भी आगे बोल बोल दिया, पीछे वालों पैसे भी मेरे हैं। मथुरा नगरी में भगवान पधारे, कौन से भगवान? विमलनाथ। बोलो विमलनाथ भगवान की हैं। प्रभु भरे आज मेरी नगरी में आए, भगवान का आए तो भगवान आए ना। समव सरणी का साथ वे आए हैं, प्रभु भरे आज मेरी नगरी में आए। और चारों तरफ खुशियां, माली आकर के सूचना कर रहा है राजा को, महाराज आ समय में हैं ये वो जाकर के वो जब वो असमय में सब फल फूल खिल गए तो लाल आकर षट ऋतु के फल खिले ना, तो लाल आकर के जैसे मान के चलो वो समय ऐसा हैं जिस समय वो फल नहीं होता हो उस समय का वो फल ले आए। अभी तो तुम्हारे कोल्ड वोल्ड चल गए बैठे सीधे हैं तो उनमें रख लेते हैं, लेकिन वही जिस समय वो फल नहीं मिल सकता था, जनवरी के महीना में आम नहीं मिलेगा, अब वो हमसे ज्यादा नहीं कहने के मिल जाते, वो कुछ काम का नहीं जो मिलता है वो जहर है, ध्यान रखना जो ऋतु का जो फल है। लेकिन भगवान पधारे तो असमय में फल खिल गए हैं, तो फिर हमारे भगवान पधारने वो हमारी परिणति क्यों नहीं खिलेगी? लाला करके और वो दिए, क्या आश्चर्य हो गए माले, अरे भगवान बोले बड़े महाराज खुशी खुशी, क्या खुशियां कि भगवान विमलनाथ का समव शरण आया है और राजा रानी दोनों पुत्र भगवान का उपदेश सुनने के लिए गए हैं। और जाकर के जो भगवान का उपदेश सुना है, देवी सुन रहे हैं और दोनों कुमार भी सुन रहे हैं। युवा प्रभु विमलनाथ का सुन मंगल उपदेश, और जो उपदेश सुना हे बब अंतर में सुख है, अंतर में आनंद है, अंतर में सर्वस्व है। सुनते सुनते दोनों कुमार विरक्त हो गए। कौन कौन? मेरु और मंदिर हैं। युवा में प्रभु धर्मनाथ का सुन मंगल उपदेश, दीक्षाधारी ये भगवान संसार में बहुत भ्रमण कर लिया, अब संसार से निकलने का मार्ग प्रदान करो। माता पिता रोकने लगे लेकिन दोनों कुमार बोले हे पिताजी हे माताजी, हमारे आनंद में अंतराय मत करो, अभी तुम भी आनंद पूर्वक जिन मार्ग में आओ। क्या बोले? हमारे आनंद में अंतराय नहीं करो, तुम आनंद पूर्वक जिन मार्ग में आओ। बहुत रोका पर नहीं रुके, पुराना वाक्य याद करना, रागी ही रोकते हैं और रागी ही रुकते हैं, ना वैरागी रोकते हैं और ना वैरागी रुकते हैं। दोनों पुत्रों की दीक्षाएं देख करके माता और पिता भी दीक्षित हो गए। दीक्षा दरी भगवती दिगंबर तजा रागे अरुदे, और दीक्षा को धारण करके प्रचुर स्वास्थ्य संवेदन परमानंद झरने लगा। और दो ज्ञान तो थे, तीन ज्ञान नहीं, कितने ज्ञान हो गए?
चार ज्ञान है, चार ज्ञान के धारी गणधर महाराज हो गए। बोलो गणधर मेरु भगवान मुनराज की। गणधर महाराज मंदिर महा मुनराज की। और भगवान विमलनाथ के गणधर हुए कौन? बोर्ड देखना कौन है वाकई बता दो। बोलो भाई हैं? राम दत्ता और पूर्णचंद। बच्चों को सब याद हैं? गणधर पद लई भगवान की वाणी को जीवते आनंद झरते द्वारसान को रचते और द्वारसान का सार भगवान आत्माएं दिखाते। गणधर पद लई केवल ज्ञान ले शिव पद पाते हैं। मुनराज की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। इस प्रकार से तीनों जीव मुक्ति धाम पधार गए। किसका आश्रय करके? मुक्त स्वरूप आत्मा का। प्राण के अंत में उसका फल बताया है, उसको अपन बांटते हैं। जो भी सुने पुराण सुखमय कीर्तन कर पद भी पावे। जो इस पुराण को सुनते हैं वे कौन होते हैं? जिनका नाम प्याली देर बताते पंडित जी तो टीका ही रहती है, अब तो पूरा ही हो गया। उस पुराण के अंत में लिखा कि जो इस पुराण को बड़े भक्ति भाव से सुना करते हैं वे कौन होते हैं? जब पूरा पूरा कौन ने सुन लिया है अभी थी तकर हो जाएगी। अरे व्यवहार का कथन है, समझना उसका विस्तार। समझ में आया कि नहीं? जो भी सुने पुराण सुखमय कीर्तन कर पद भी पावे। गुरुवर गौतम स्वामी कहे संशय कुछ ना लागे। कौन कह रहा है? बोले ये गौतम गणधर कह रहे हैं कि जो प्राण सुनेंगे वो तीर्थंकर पद को पाएंगे। संजयंत गुरु को शीश नवाते हम अरसाते हैं। संजयंत मुनराज की मंगल सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया जैन पुराणों की मंगल में गाता गाते हैं। संजयंत मुनिराज की मंगल का सुनाते हैं।